जाएगी तो मैं इसको बाहर से निकाल के ले जाऊँ। दोनों हाथ से निकालनी पड़ेगी, तो पहले निकाल। तो अभी टाइम हो गया है 4:30 का, और देखो हल्की हल्की सी धूप लगी है और हवा भी लगी है। तो अभी मैं कर रही हूँ शाम के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर जो नहीं तो है दादा दादी और मैं, और दादी देखो वहाँ पर दादी जो ये। तो अभी देखो मैंने क्या लाया है इसको निकालने के लिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया। तो अभी टाइम हो गया 10:30 का और अभी जस्ट सारे कामों से फ्री हुई हूँ। काम से फ्री भी नहीं बोल सकती, अभी मेरे को नीचे पोछा लगाना है सारे किचन में। और आज मैंने अपने किचन की बढ़िया जगह चक सफाई की, सारी टाइलें अच्छे से पोछे से साफ की, इधर इधर सब कुछ, और अब जाके फ्री हुई हूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम होता है, फ्रिज की भी अच्छे से सफाई कर दी अंदर से खोल के। तो इस करके अभी मैं काट रही हूँ खीरा, ये हमारी अपनी खेत की है, इसमें आधी कटकी क्योंकि अभी मैं अकेले बच्ची हूँ खाना खाने के लिए। दादी गए हैं बाजार, उनको कुछ काम था तो दादी पापा के साथ ही चले गए। अभी पापा आए थे तो पापा का मतलब कहीं जा रहे थे अपने काम से, तो फिर पापा के साथ चले गए दादी बाजार तक। फिर वापसी के लिए तो बस आ जाती है दिन को, तो वापसी के लिए बस में आ जाएंगे। उनको ना पैरों में मतलब उतराई चलते बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, तो फिर मैंने कब पहुँचेंगे आप बाजार, कब जाएंगे, थैंक गॉड पापा आ गए। तो फिर पापा के साथ चले गए दादी नीचे, और उन लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। दादी और दादा को मैंने पहले ही दे दिया था, मैं अपने कामों में मस्त थी, मगर मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी आराम से। तो अभी मैं काट खीरा, तो चलो खाते हैं। और आज ना मैंने पुलाव बनाया है क्योंकि सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, पहले सोचा था कि सब्जी बनाऊंगी, बट सब्जी काटेगा कौन, क्या करेगा। अच्छा पुलाव बनाते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया था और फिर पुलाव खाने का मन भी कर रहा था। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, जो भी रहेगा आप उनके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और अभी घर में मैं अकेले हूँ फिर से, दादा तो पता नहीं खाना खा के कहाँ चले गए, गाँव के होंगे शायद, और दादी तो बाजार गए, पता नहीं कब तक आएंगे, दिन तक ही आएंगे शायद, 11 से 12 बजे तक ही आएंगे। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत दिनों की भूख लगी है। फिर कपड़े भी धोने को, अब सोच रही हूँ आज धोऊँ कल धोऊँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ पीछे ना, मतलब टाइल में ऐसे ऐसे घिस घिस की सफाई करके ना, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होती है गर्दन में, तो मेरे को मतलब आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो चलो सफाई करना भी बहुत ज़रूरी था। तो चलो मिलते हैं अब आपसे बाद में, मैं फटाफट से खीरा कट कर लेती हूँ और खाना खाती हूँ। तो कुछ इस तरह का है आज का मौसम, एकदम चटक धूप लगी है। तो ये रहा मेरा आलू, और मैंने इसमें येलो कलर की दाल डाली है, उसका पुलाव बनाया और एक खीरा और साथ में लस्सी। तो चलो खाते हैं अब खाना, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया है 12:30 का, और कुछ खाने का मन कर रहा था, और कुछ खाने से मुझे याद आया कि हमारे अपने खेत में लगे हैं अनार, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। पर यहाँ देखो घास, जाऊँ कैसे, डर भी लग रही मेरे को, बट मैं जाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। ऐसा सेब भी है बट मेरा भी सेब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे अनार ही खाना है। कौन सा निकालूँ, सेब बड़े बड़े देखो, दिख रहे आपको, देखो ऊपर लाल लाल जैसे दिख रहे हैं, ये कितना बड़ा है ऊपर, इसका साइज कितना बड़ा है। अब कैसे निकालूँ, तो निकलेंगे ही नहीं मेरे से, कोशिश करती हूँ ज़रा निकालने की। तो अभी देखो मैंने क्या लाया है इसको निकालने के लिए, क्योंकि नीचे से तो मेरे से निकल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये इसको बोलते हैं कुंती, तो मैं ये लेके आई हूँ, इसे खींचूँगी ऐसे, इसको फिर निकालूंगी अनार, तो ये मेरा हाथ पहुँचता है कि पहुँचता, कोशिश करती हूँ। तो ये देखो मेरी कोशिश सफल रही, यहाँ दो लगे थे ना, तो उनमें से मैंने एक निकाल दिया, बाकी कीड़े भी खा रहे हैं, उनको छेद लग रहा है एक अनार में, ये नीचे को तो हरे अभी, कितना बड़ा अनार है। चलो इसको खोलते हैं अब। तो ये रहे अनार, देखो कितने अच्छे हैं, मतलब अच्छे मतलब रेड है बिल्कुल। हमने कुछ टाइम पहले रामपुर में लिए थे ना अनार शॉप से, तो वाइट वाइट से थे, बड़े देखो कितने अच्छे लाल। तो अभी टाइम हो गया है 4:30 का, और देखो हल्की हल्की सी धूप लगी है और हवा भी लगी है। तो अभी मैं कर रही हूँ शाम के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर सब्जी है मतलब तीन तीन तरह की सब्जी बना रही हूँ मैं आज, पत्ता गोभी,
और शिमला मिर्च और आलू। आलू तो हमारे अपने खेत के है और यहाँ पर यहाँ वाले खेत में तो नहीं लगे, जो बगीचे वाला खेत है ना हमारे, वहाँ पर लगाए आलू, तो वो वाले आलू है। शिमला मिर्च शायद दुकान से लेके आए, और ये गोभी भी हमारे अपने खेतों की है। तो आजकल सब कुछ अपने खेतों का ही मिल रहा है, फल सब्जी सब कुछ। तो थोड़ी सी दो तीन काट एक शिमला मिर्च काटूंगी और गोभी भी काट दी, गोभी दादी ने काट दी थी, तो मैंने थोड़े आलू डालते हैं इसमें और शिमला मिर्च, और साथ ही साथ खा रही हूँ मैं जलेबी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो अभी टाइम हो गया 5:30 का, और मैंने सब्जी वगैरह कट करके रख दिया, प्याज टमाटर सब कुछ काट के रख दिया है। 6:30 बजे तड़का लगाऊंगी, फिर चपाती बनाऊंगी, क्योंकि हम 3 जने ही तो हैं, दादा दादी और मैं। और दादी देखो वहाँ पर, दादी जो ये पता नहीं क्या लगाया है, दादी ये जो अब ये बालड़ी है दादी की, राजमा प्रांसवीन, ये प्रांसवीन है। तो दादी इसके बीच घास निकाल रहे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा घास हो गया है उसके बीच। देखो देखो हमारी लौकी लगना शुरू हो गई है, देखो देखो मिर्च भी, इतनी मिर्च तो लगी नहीं है यार, मिर्च ही नहीं है, क्या लगी हुई, सारी सूख गई, क्या है ये, बारिश नहीं आई होनी उस वक्त इनको, तो बैंगन भी इतने बड़े बड़े हो गए। भैया बैंगन लगे भी है कि नहीं लगे, लगे तो होने चाहिए थे यार बैंगन। देखो बैंगन गोल वाले बैंगन है, एक ही लगा है इसमें फिलहाल, तो इसमें लगना शुरू हुआ है शायद, ऐसा हो सकता है, तो भी एक ही दिखा बैंगन, उनको चप्पल पहन के आई हूँ इतने लंबे लंबे घास में। ये मक्की पक गई होनी, कैसा ऐसे बोलो ना, ये मक्की पक गई कि नहीं पकी, अभी निकालूं जरा एक टेस्ट करने को, देखो तो हमारी मक्की इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, जो देखती हूँ पक्की कि नहीं पक्की, अच्छी नहीं लगती मक्की। ओ पक गई मक्की, अरे पक गई, भूनेंगे कैसे फिर हम इनको गैस के ऊपर, तो इसको गैस के ऊपर भूनू क्या मतलब, तो देखो जो कितनी बड़ी होगी हमारी मक्की। भालू को पता लगा रहा है कि मक्की पक गया, आ जाएगा सर्वनाश कर देगा फिर, सर्वनाश। तो चलते हैं घर और भूनते हैं मक्की, हमारी लोकल भाषा में इसको बोलते हैं तो सितरू, सितरू सितरू खाएंगे हम आज, उड़ गए, पर मेरे को अच्छे से वो भुनना नहीं आता, दादी से भुन दूँगी बाद में, गैस पे वो अच्छा नहीं आता, बेस्वाद सा हो जाता है। चलो इस साल की पहली मक्की का आनंद लेते हैं हम, और चलते हैं घर की ओर, और आज ना मैं दिन को 1 बजे सो गई थी और फिर 3:30 बजे उठी, दादा तो दादी भी आ गए थे 2:30 बजे, फिर दादी भी सोए, फिर हम दोनों 3:30 बजे उठी, तब तक पापा भी आ गए थे, फिर पापा को 4:30 बजे पापा आए शायद, 4 बजे आ गए थे शायद, फिर कुछ चाय वगैरह बताई, भी पापा चले गए ऊपर, और वहाँ देखो मेरे को दिख रही है यहाँ पर खीरा, दिख रही है आपको, देखो कुछ शाम का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। और देखो कुछ टाइम पहले ना दादी ने ये जूब काटी थी, बहुत लंबी लंबी हो गई थी, तो दादी ने काटी थी, और देखो आजकल फिर से लंबी लंबी हो गई है, बढ़ गई है मतलब। देखो तो देखो मक्खी मैंने निकाल दी है, और बाहर ही निकाल दी होनी, तो फिर अंदर ना इसकी वो पड़ जाएगी, इसी से गंद पड़ जाएगी, तो मैं इसको बाहर से निकाल के ले जाऊँ, दोनों हाथ से निकालनी पड़ेगी, तो पहले निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये रही मक्खी, मक्खी मक्खी, जब दादी आएंगे ना खेत से तो तब दादी से भूनने दूंगी इसको। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सब्जी सारी कट कर रखी है, बस 6 बजे तड़का लगाऊंगी, देखो आधे में दाने नहीं है और आधे में फुल दाने हैं। तो अभी हमारा डिनर हो गया था और मैं रूम भी आ गई थी, तो दादी ने ये मक्की भी भून ली थी, और देखो मेरे पैरों में क्या हो गया है यार, आज ना मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, शरणी हो रही थी बहुत ज़्यादा,
तो पहले तो मैंने सरसों के तेल की मालिश की, उसके बाद दोनों पैर में से दुपट्टे टाइट बांधे थे ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो। तो बस अब मैं ये खाती हूँ मक्की, और थोड़े बहुत से चटर पटर और भी हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी, बाय।